फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। फ्रेंड इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड की जाएगी और आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इस वीक जो है लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं किन छात्रों की छात्रवृत्ति जो है इस सप्ताह उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, किन छात्रों की छात्रवृत्ति जो है अगले सप्ताह उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और किन छात्रों की जो छात्रवृत्ति है इस सत्र यानी कि सत्र 2023-24 में यहाँ पे उनकी नहीं आने वाली है, वे लोग जो है अपने छात्रवृत्ति से वंचित होंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए अगर आप लोग चाहे प्री मैट्रिक के कैंडिडेट होंगे, चाहे पोस्ट मैट्रिक इंटर के कैंडिडेट होंगे, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के कैंडिडेट होंगे, चाहे फ्रेश होंगे, चाहे रिन्यू होंगे, जनरल ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से आप लोग बिलोंग करते होंगे तो आप लोग का यहाँ पे समाज कल्याण विभाग द्वारा एक क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाता है। क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोग का जो फॉर्म है समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए और आप लोग के करेंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है ना। मायने ये नहीं रखता है कि आप लोग का फॉर्म जो है कब वेरीफाई हुआ है, बसते मायने ये रखता है कि आप लोग का फॉर्म जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। जितने भी छात्र होंगे जिनका फॉर्म समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा वे सभी छात्र जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस सप्ताह किन छात्रों की छात्रवृत्ति जो है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो फ्रेंड अगर आप लोग जो है यहाँ पे प्री मैट्रिक के कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना, प्री मैट्रिक में वे छात्र आते हैं जो अपना कक्षा 9 और कक्षा 10 में एडमिशन कराए होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना कक्षा 9 कक्षा 10 में एडमिशन कराया होगा तो इस वीक जो है आप लोग की छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, चाहे आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे इस सप्ताह यानी कि 15 मार्च, ठीक है ना, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा टाइम टेबल रखा गया है। तो 15 मार्च तक जितने भी प्री मैट्रिक वाले कैंडिडेट हैं उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी प्री मैट्रिक वाले छात्र हैं वे लोग अपना स्कॉलरशिप का वेट करें, इस वीक आप लोग की छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है।